गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं यहाँ लंच पैक कर रही हूँ, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, 8:30 बज रहे हैं, तो आज फटाफट से काम सारा हो रहा है। बट जो सोचे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं सोची थी सुबह से प्रॉपर आप लोगों को दिखाऊंगी कब कितने बजे उठती हूँ, मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, फिर क्या सब मैं सुबह में थोड़ा बहुत लेती हूँ, और उसके बाद ब्रेकफास्ट क्या बनाई हूँ क्या नहीं, सब चीज प्रॉपर मैं सोची थी दिखाने का, बट ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली नींद काफी लेट से खुली। यहाँ हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, और थोड़ा बहुत अभी मैं डस्टिंग कर लूंगी। तो मैं ब्रेकफास्ट में आज बनाई थी रोटी छोला, तो वही पैक कर दी और मखाना दे देती है स्नैक्स के लिए। तो यहाँ हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और डस्टिंग वगैरह करने के बाद यहाँ मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ। दिवाली में भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है, प्रॉपर डीप क्लीनिंग भी करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मेड तो झाड़ू पोछा सिर्फ बर्तन करके चली जाती है, बाकी तो सब कुछ अकेले ही करना होता है। तो धीरे धीरे करके वो सब भी स्टार्ट करना है। तो आप लोग पूरा वीडियो एंजॉय कीजिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा आज की वीडियो। ब्रेकफास्ट में बनाए थे रोटी छोला, और यहाँ जूस निकाल लिए थे ऑरेंज का। हे गाइस, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया। एक्चुअली मुझे पता था मुझे आज वीडियो शूट करना है, पूरे दिन का दिखाना है, बट पता नहीं कैसे नींद नहीं खुली सुबह जल्दी। फिर सुबह में मॉर्निंग वॉक ले चले गए, उसके बाद फटाफट से खाना बनाना था ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट बना के फिर हस्बैंड खाए, फिर ऑफिस उनको भेज दिए। फिर अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए, थोड़ा सा घर का डस्टिंग वगैरह करके अभी जा रहे हैं। अभी बज रहा है सुबह के 10, तो भूख बहुत तेज लग गई है, तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। बहुत लोग सोच रहे होंगे 10 बजे ज्यादा लेट तो नहीं है। एक्चुअली हस्बैंड 9 बजे चले जाते हैं ऑफिस, तो 8:45 तब हो जाता है उनका ब्रेकफास्ट, तो मैं भी साथ ही में खा लेती हूँ, इसलिए थोड़ा लेट है मेरे लिए। ब्रेकफास्ट करके आ गए बेड पे, और अभी है मेरा मी टाइम 2-3 घंटे का। मैं देखती हूँ दिन में मुझे क्या बनाना है, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट लिस्ट करती हूँ, यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स के लिए क्या बनाना है वो सब प्लानिंग अभी करती हूँ, और थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग चैनल मुझे जो जिसका पसंद है वो सब देखती हूँ। तो 2 घंटा मेरा मी टाइम होता है, उसके बाद 1 घंटे मैं सो जाऊंगी, उसके बाद मैं उठूंगी, दिन में खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं रील बनाना स्टार्ट करती हूँ। जैसे जैसे होगा आप लोगों को दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। मुझे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा डांटा। एक्चुअली मैं एक्टिंग कर रही हूँ, किसी ने मुझे नहीं डांटा। हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं, और दिन में बैठ के मैं यही करती हूँ खाना खाने के बाद। नेचुरल लाइट 3 बजे बहुत अच्छी आती थी, यहाँ रील बन रही है। गाइस, ढेर सारा रील बना ली, यहाँ देखिए मेरे बालों का क्या हाल हो गया है, प्लेन की आवाज आ रही है। यहाँ पास में ही एयरपोर्ट है, तो यहीं से प्लेन यहाँ से उड़ती है, तो क्लियरली आवाज यहाँ आती है। तो ढेर सारा रील बना लिए, नहीं देखे हैं तो शॉर्ट्स देख लीजिए, अभी एडिट करके कुछ मैं डाल दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ मखाना खाने, शाम के 5 बज रहे हैं, तो मखाना भून के खा लेते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज लंच में मैं क्या खाई वो बता देती हूँ। रोटी सब्जी ही खाई और सलाद कट कर लिए थे। एक्चुअली हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो दिन में कोई रहता नहीं है, तो अकेले खुद के लिए बनाना जानते हैं, अपने लिए तो मन नहीं करता है, आलस थोड़ा लगता है। तो मैं सुबह में ही ढेर सारा सब्जी बना देती हूँ, ढेर सारा एक्चुअली उन्हें लंच भी दे दी, और अपने लिए दिन के लिए भी बना लेती हूँ, तो दिन में मुझे बनाना नहीं होता है। बस आटा गूंथ के रख देते हैं, बस उसे गर्मा गर्म रोटी बना लेते हैं, और सैलेड कट कर लिए थे, वही खाए थे, इसलिए मैं फिर से उसे सूट नहीं की। यहाँ मखाना भी हमारा हो गया। यूजुअली मैं 4:30 तक रील मेरा बन जाता है, डेली नहीं बनाते हैं, कम अल्टरनेट डे पे या फिर 2 दिन गैप करके ऐसे बनाते हैं। जब मूड हो गया कुछ अच्छा देख लिए, तो उसे शॉर्टलिस्ट कर लिए, उस अनुसार से फिर अपना फुर्ती आ जाता है, चलो आज बनाना है इस पे, तो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो 4:30 तक मेरा बन जाता है, 2 घंटे में काफी है, बना लेते हैं ढेर सारा, तो वही अपना बैक टू बैक कुछ ना कुछ अपना डालते रहते हैं। तो मेरा बन गया है, तो यहाँ मखाना भूंज लिए। 4:30 तक कोशिश करते हैं फ्रूट खाने का, लेकिन आज फ्रूट में बस ऑरेंज था, तो सुबह में ऑरेंज जूस पी लिए थे, फिर अभी मन नहीं कर रहा था ऑरेंज खाने का, इसलिए आज मखाना खा रहे हैं। तो मखाना भी हेल्दी है, अच्छा भी लगता है। थर्टींथ अक्टूबर को हस्बैंड का बर्थडे है, उनके लिए यहाँ मैं गिफ्ट कर दी हूँ। तो हस्बैंड ऑफिस है, यहाँ छुपा के मैं आराम से इसे रख दूंगी। तो यहाँ पे देख रही है, आप लोगों को दिखला रही हूँ क्या करती हूँ। मैं एक्चुअली स्मार्ट वॉच ऑर्डर की थी, ब्लैक कलर की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका काफ़ी अच्छा डेटिंग वगैरह भी था। इसमें काफ़ी कुछ मॉनिटर करने के लिए है, यहाँ पे हार्ट रेट इसमें पता चलेगा, ब्लड प्रेशर पता चलेगा, कितने आवर प्रॉपर आप स्लीप ले रहे हो,
तो वो सब पता चलेगा, कितने आवर वॉक किए, कितना मिनट, ये सब बहुत कुछ है। तो ये 1 साल की वारंटी भी थी, तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। तो मैं एक वॉच ऑर्डर की थी और 2 मैं बुक ऑर्डर की थी, जो कि उन्हें पता चल चुका है बुक का, इसलिए मैं फिर से वॉच ऑर्डर की। तो यहाँ पे इनके इसके बारे में इसे इन्हें नहीं पता है। यहाँ देखिए मूवी का फ्री टिकट भी मिला है, तो उन्हें सरप्राइज मैं दूंगी। 13th of October को जा रही हूँ, इसे छुपा के मैं रख देती हूँ। अभी शाम के बज रहे 5:30, मैं आ गई हूँ किचन में। क्या बनाने जा रही हूँ आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। हाँ, जैसे भी दाल नहीं पसंद है, बस दाल से रिलेटेड है, और उसे इस तरीके से खिलाइएगा तो आई एम श्योर उन्हें पसंद आएगा और पता भी नहीं चलेगा वो दाल खा ली है इतना सारा। तो आप लोगों को दिखाते हैं मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मुझे यूजुअली उतना पसंद नहीं है दाल खाना, तो मम्मी जब भी चावल दाल सब्जी देती थी तो मैं सब्जी के साथ खा लेती थी, दाल उतना नहीं पसंद था तो छोड़ देती थी। तो मम्मी इस तरीके से सब्जी बनाती थी। मैं बनाने जा रही हूँ एक्चुअली मसूर दाल की सब्जी, मसूर साबुत मसूर आता है ब्लैक कलर का, तो उसी की सब्जी मैं रात में फूलने दे दी थी दाल को। तो चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और इस तरीके से बनाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगे, आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है काला मसूर छिलके वाली साबुत, तो इसे रात में मैं फूलने दे दी थी, तो अच्छे से फूल गया है। इसे 2-3 पानी से धो के यहाँ जार में डाल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें अदरक डाल दिए 1 इंच, 5-6 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, आधा टमाटर कट करके डाल दिए। पानी का यूज़ नहीं करेंगे, टमाटर डाल के अच्छे से पिस जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का दरदरा पिस गया है। यहाँ पे एक बर्तन में थोड़ा सा सरसों तेल चारों तरफ फैला लेंगे, ताकि ये चिपके नहीं, इजली निकल जाएगा। तो सारे को डाल के चारों तरफ अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हो गया है, इसे 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे हमें पकाना है कवर करके। साथ ही साथ ग्रेवी की भी तैयारी चल रही है, तो यहाँ पे 3 ओनियन, 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कली डाल दिए हैं। तो साथ ही साथ ये भी पकेगा। और यहाँ देखिए कवर चेक कर लेते हैं हटा के, देखिए नाइफ इजली अच्छे से निकल गया है, क्लीन निकल गया है, तो पक गया अच्छे से। चिपका रहता तो थोड़ा और टाइम लगता। तो यहाँ पे ठंडा हो गया था, तो प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, देखिए कितना अच्छा निकला है। ऐसे मैं स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी, आपको जो मनो रेक्टेंगुलर बर्फी डिज़ाइन जैसा मनो कट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आई इसको फ्राई करके आप डायरेक्ट सॉस या फिर चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो तेल थोड़ा कढ़ाई में डाल दिए हैं, इन सबको 2 मिनट के लिए पका लेना है, फ्राई कर लेंगे सैलो फ्राई। तो ये शाम में भी आप चाहेंगे तो इस तरीके से सॉस वगैरह के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये बचे तेल में मैं यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो 5 फोड़न दे दी हूँ, 1 तेज़पत्ता और मसाला पीस लिए थे, प्याज टमाटर जो पानी में डाले थे, और थोड़ा सा अदरक डाल के। साथ ही साथ सूखा मसाला यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, किचन किंग, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और थोड़ा सा जार में लगा रह गया था पानी डाल के। इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। थोड़ा सा मुझे यहाँ कच्चा लकड़ा है, तो फिर से कवर करके पका लेते हैं। तो कवर हटा के देख लेते हैं, मसाला अच्छे से पक गया, ऑयल सेपरेट होने लगा। इसमें 1 गिलास मैं पानी डाल दूंगी, एक उबाल आ जाएगा, फिर सारे को डाल के पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो कभी कभी सब्जी खाने का मन नहीं होता है फॉर अ चेंज, ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है और हेल्दी भी है। तो यहाँ देखिए उबाल आ गया था, सारे को डाल के पका लिए हैं। तो ये हमारा हो चला है, इस पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो ये हमारी टेस्टी सी सब्जी रेडी हो गई है, जो कि बहुत हेल्दी तो है ही और खाने में भी टेस्टी है। तो ये आज का हमारा ये सिंपल सा हमारा डिनर है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो ओवरऑल मेरा डेली का यही रहता है रूटीन, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजिंग होती रहती है। तो ये हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।